आज हम लोग बायोलॉजी के क्लास 12th की जो बायोलॉजी है एनसीईआरटी उसके हम लोग जो मानव जनन पढ़ रहे थे उसका हम लोग फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने तीन पार्ट पढ़ लिया था, अब हम लोग उसका फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम लोग को पढ़ना है आर्तव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। आर्तव चक्र क्या होता है? मादा प्राइमेटो यानी बंदर है, कपी है और मनुष्य आदि में होने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, और सामान्य जनों की भाषा में इसे मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। जो अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बोलेंगे तो उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर आर्तव चक्र, और अगर हम नॉर्मल लोगों की भाषा में बोलेंगे तो नॉर्मल जनरल लोग जो होते हैं सामान्य लोग वो उन्हें मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। तो क्या होता है कि सभी फीमेल्स को जो नॉर्मल फीमेल्स होती हैं उनको ये हर महीने ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है। तो जब वो एक छोटी बच्ची होती है फिर जब वो अपनी यौवनावस्था में पहुंचती है प्यूबर्टी में बड़ी होती है तो उसके बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं जैसे कि स्तनों का बढ़ना और जो एक्जिला होती है अंडर आर्म्स और जो हमारे जननांग होते हैं उन पर हेयर्स की ग्रोथ होना। ठीक है, ये सब जो होते हैं ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं। तो क्या होता है कि प्रथम जो ऋतुस्राव होता है या रजोधर्म, फर्स्ट टाइम जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं मीनार्की। ठीक है, यौवनावस्था भी शुरू होती है, आजकल हम लोग देखते हैं 11 साल की बच्ची को, 11 साल की बच्ची है, 12 साल ये सब, या फिर कभी कभी 10 साल की उम्र में मीनार्की स्टार्ट हो जाता है यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। जो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको हम लोग बोलते हैं मीनार्की। तो ये जो पूरा चक्र होता है वो 28-29 दिनों के बाद दोहराया जाता है यानी कि, और बहुत सारे लोगों को मतलब 28-25-26 दिन से लेके 35 दिन तक ऐसा ही होता है। किसी किसी को क्या होता है कि हम देखते हैं कि एकदम एग्जैक्ट फिक्स डेट पे, और कभी कभी किसी को 2 दिन आगे 2 दिन पीछे, ऐसे ब्लीडिंग की डेट आगे पीछे होती रहती है वो, क्योंकि जो उनका पूरा साइकिल होता है वो उतने दिन का होता है। इसीलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच घटना चक्र को आर्तव चक्र कहते हैं, या पूरे जो साइकिल होता है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ ब्लीडिंग का जो टाइम है उसी को सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल कहेंगे, ऐसा नहीं। ये साइकिल पूरे मंथ चलता रहता है। जो चीज़ हमें दिखाई देती है वो सिर्फ ब्लीडिंग दिखाई देती है तो हम जानते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है, बाकी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या चीज़ है मेंस्ट्रुअल साइकिल। It's 9:50 PM. To hear your notifications, follow the notification on your phone to turn on notification access.
तैयार कर। इट्स 9:54 PM। इसमें दो तीन हार्मोन हमें याद रखने हैं। GnRH निकलता है किससे? ब्रेन से, दिमाग से, हाइपोथैलेमस से। वो काम करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी ग्रंथियां हैं, जिससे FSH और LH निकलता है। FSH और LH ओवरी पे काम करता है, जहाँ से इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलता है। अब आइए हम इससे समझते हैं इस डायग्राम से। यह है सबसे पहला जो फेज है वो है ऋतुस्राव या रजोधर्म, यानी जिस टाइम पे ब्लीडिंग होती है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 दिन तक लगभग ये ब्लीडिंग हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो इंडोमेट्रियम है, इंडोमेट्रियम में देखिए ये इंडोमेट्रियम कोई दिखाया है, ये इंडोमेट्रियम क्या हो रही है, टूट टूट के निकल रही है, घट रही है, इतनी निकल गई यहाँ तक। अब उसके बाद फिर 5वें 7वें दिन से देखिए फिर बढ़ना शुरू हुई, ये बढ़ना शुरू हुई, बढ़ना शुरू हुई, फिर यहाँ पे जाके अपनी फुल ग्रोथ पे आ जा रही है। फिर उसके बाद फिर यहाँ से जब शट ऑफ हो रही तो फिर टूट के निकल रही है। अंडाशयी जो हार्मोन होते हैं वो दो होते हैं, हमने बताया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन तो पहले बहुत कम रहता है, एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन ही धीरे 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 बढ़ना शुरू होता है और फिर यहाँ पे जाके अपने पीक पे एकदम हो जाता है, फिर यहाँ घट जाता है, फिर धीरे बढ़ना शुरू किया। हमने बता ही दिया FSH और LH कैसे ये काम करता है। और जो अंडोत्सर्जन होता है वो दिन पे होता है, ठीक है, यानी मिड साइकिल में होता है। देखिए पहले वर्धन पुटक है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर परिपक्व पुटक बन रहा है, और जब एकदम परिपक्व हो जा रहा है तो LH, यहाँ पे LH बहुत हाई हो जा रहा है, तभी अंडोत्सर्ग हो जा रहा है। फिर वर्धनशील पीतपिंड और हासी पीतपिंड। It's 9:56 PM.